देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव, है ना। तो हमें दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाव में एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो दशमलव होता है जितने यहाँ पर इससे बाद में होते हैं, जैसे कि 15 दशमलव कितना है 3-4, तो हमें दशमलव के सीध में दशमलव ही लगाना होता है, तभी जोड़ और घटाव हम कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हमारे पास, 15.34, ठीक है, और हमें जोड़ना है 10.34, 10.34, फिर क्या करेंगे हम इसको, सिंपली हम इसको जोड़ देंगे, 4 और 4 3 और 3 6, 10.5, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना हो गया, 1 और 1 2। सवाल सभी की समझ में आ गया, चलिए हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा कितना है, 18.32, फिर है 9.343, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 9.3 कितना है देखो, 3 4 3 3 4 3, केवल आपको दशमलव का ध्यान रखना है जोड़ घटाव वाले सवाल में, इसको हम सिंपली जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर कितने दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो इसमें हम इसको बराबर कर लेंगे, 0 हम बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हुई है, बाद में हम कितनी जीरो बढ़ा सकते हैं, इसको कोई नहीं पड़ने वाला। 3 में हम 0 जोड़े कितना हो गया, 4 और 2 दशमलव के नीचे दशमलव 8 और 9 17 7 हासिल कितना लगा, 1 और 1 कितना हो गया, जोड़ के सवाल हमने कर दिए हैं, अब करते हैं हम घटाव के सवाल। तो चलिए इनको देख लेते हैं क्या है, 80.2 कितना लिखा हुआ है, 3 2, ध्यान करते हैं हम कितना, 80.32, और घटाना है कितना हमें, 61.3 कितना, 3 1, 61.3 कितना, 3 1, दशमलव के नीचे आपको दशमलव ही लिखना है, अब घटाएंगे इनको, 2 में 2 घटाएं कितना बचा, 3 में 3 घटाएं कितना बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, अब 0 में से 1 भी घटेगा क्या करेंगे, यहाँ से दहाई ले लेंगे, 10 की दहाई ली जाती है, कितना हो गया, 10, 10 में से 1 घटा कितना बचा, 2, यहाँ पर कितना रह गया, 7 में 6 घटाएंगे, 1, प्रश्न देख लेते हैं क्या है, 24.56 में से घटाना है हमें कितना, 9.324, तो सबसे पहले लिख लेंगे 24.56, घटाना कितना है, 9.324। अब यहाँ पर हम एक काम करना है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, देखो 5 और 6 है ना, तो 2 अंक है, ये दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, तो इसको भी हमें कितना करना है, 3 अंक ही बना लेना है, इसको 0 और बढ़ा देना है, ठीक है। अब चिल्ला माइनस का ना घटाना है, कितना करेंगे आप, देखो 0 में 4 घटेगा कितना हो गया, 0 में 4 भी घटेगा कितना हो गया, यहाँ से हम दहाई ले लेंगे, कितना हो गया, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचा, 6, यहाँ पर कितना रह गया, 5 रह गया, 5 में 2 घटाओ कितना बचा, 3, 5 में 3 घटाओ कितना बचा, 2, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 9 घटेगा क्या करेंगे, यहाँ से दहाई लेंगे कितना हो गया, 14 में से 9 घटाओ कितना बचा, 5, यहाँ पर कितना रह गया, 1, क्योंकि हमने यहाँ से दहाई ली थी ना, दहाई ली थी, अब 1 का 1, तो बताओ बच्चे सभी समझ में आ गए सवाल, सभी ताली बजाइए।
जाओ तो ये